शाबाश। अरे वाह, अगर ऐसे ऐसे दबाएगा तो नहीं निकलने का, ऐसे यूं। तो आज दोस्तों 15 अगस्त है और 15 अगस्त का मतलब होता है कि आज हमारे देश की आजादी का दिन है। तो आज इस मौके पर भाई देखो मैं आ चुका हूँ अपने सेटअप पर और अंदर ये पता नहीं क्या कर रहा है अमोक, लेकिन मैंने सोचा है कि जो हमारे सारे के सारे कबूतर हैं ना, आज मैं इनको बाहर निकालकर आजाद करूंगा। वैसे कुछों के पर कटे हुए हैं, कुछों के नहीं है। जिन जिनके नहीं है ना, हम उनको आज ऐसी खुला छोड़ देंगे, देखेंगे अगर उन्हें जाना होगा ना वो चले जाएंगे। आज उनको बिल्कुल आजाद कर दूंगा मैं, अगर उनका मन होगा वापस आने का वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं ना मैं किसी को पकड़ूंगा नहीं आज। फिलहाल अभी अंदर उड़ रहे हैं, अमोक इन्हें जरा बाहर निकाल दे सबको, उसको छोड़ दे बस, वो बेचारा जो उस पर बैठा है ना अंडों पे, इसको हाँ गेट लगा दे चाहे इसका, और सबको बाहर निकाल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। इनको आदत हो चुकी है इसी घर में रहने की, इसीलिए ये बाहर निकलते नहीं है। अब अमोक एक एक करके सारे कबूतरों को पकड़ रहा है और फिर अचानक एकदम से बाहर छोड़ेगा सबको एक साथ। ये देखो भाई, तीन कबूतर उसने पकड़ लिए हैं, चल पहले तीन ही छोड़ दे। और आराम से आराम से आराम से आराम से ले 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 ले, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, शाबाश। दो कबूतर बाहर आ चुके हैं, अमोक का सर भी फूट चुका है। अरे वाह, एक तो ले भाई उड़ गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उड़ने दे भाई। पता नहीं वो उड़ के कहाँ चला गया, पता नहीं यार, वो हमने सोचा भी नहीं था कि वो चला जाएगा, ये तो यार सही में चला गया भाई। सही में चला गया, टिका हुआ नहीं था यहाँ पे। नहीं भाई, अंदर रहता था बस, तो मुझे बता देता, मैं उसको पर बांध के रखता। नहीं कोई बात नहीं, गया तो गया कोई बात नहीं। पर वो गया कहाँ, कोई बात नहीं, कबूतर खैर आजादी बहुत है लेकिन। भाई कोई बात नहीं, 15 अगस्त है आज तो कोई बात नहीं, उड़ गया तो उड़ गया कोई बात नहीं, औरों को भी निकाल। और हाँ, इसकी एक चीज तुझे दिखाऊंगा मैं, उसके परों पर तिरंगा भी रंग हो रहा है उसके, हाँ उसके भाई मजा ही आ जाएगा, उसको बाहर निकाल दे एक बार। एक जो हमारा कबूतर है ना, उसके परों पर तिरंगा का रंग हो रहा है, तो उसको तो आज जरूर बाहर निकालना पड़ेगा। भाई जो उड़ा है ना उसका भाई ये है, लेकिन ये उड़ नहीं रहा है, या तो ये अंदर ही रहेंगे और बाहर निकलेंगे तो सीधा भाई आसमान में उड़ जाएंगे। तो अमोक ये जो कबूतर है व्हाइट के और ब्लैक के बीच में, मतलब ये बहुत तेज कबूतर है, और अगर तूने इसको खुले में पकड़ लिया ना तो भाई ये तेरा पक्का तेरा, जा चल पकड़, देखते हैं भाई ये पकड़ पाता है नहीं पकड़ पाता। अरे भाई बस अब ए आ गया हाथ आ गया। कोई बात नहीं, इसके रंग देखिए भाई, ये चेक करें, तिरंगा बना हुआ है इसके कबूतर के पहले ही, वैसे मैंने इसके ऊपर काटे हुए हैं। कभी भी आप अगर कबूतर पकड़ो चाहे चोटिल हो तो उसको हमेशा ना इस तरीके से पकड़ना, ये इसके पैर हैं, पैर पीछे की तरफ करके यहाँ से पकड़ना, बहुत हल्के से, ठीक है, बहुत नाजुक से होते हैं, इनमें जान ज्यादा नहीं होती, अगर टाइट पकड़ोगे तो इनका दम घुट जाएगा। यार हमारे कबूतर सिर्फ एक ही गायब हुआ है और बाकी के सारे दोबारा से अपने घर में चले गए हैं। तो अब हम निकल रहे हैं कैनल के लिए। दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने कैनल के लिए और आपसे वहीं मिलते हैं। तो मेरे हाथ में दोस्तों इंडिया का फ्लैग है और आज मैं इसको फहराने वाला हूँ, पता है कहाँ पर, मैं कहीं छत पर चढ़कर इसको नहीं फहराऊंगा, आज मैं इसको युवराज के ऊपर चढ़कर फहराऊंगा। लेकिन हमारे पास डंडी नहीं है, बच्चों से डंडी का जुगाड़ करते हैं। बच्चों सुनो, एक डंडी का जुगाड़ करो, है किसी के पास? हाँ है डंडी कहीं पे? है, जाओ जल्दी लेकर आओ, इतना मैं युवराज को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। इतने बच्चे डंडी लाते हैं ना, इतने युवराज को तैयार कर लेते हैं। तो भाई हमें डंडा मिल चुका है, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है, पर एक बार ट्राई करते हैं। ले भाई ये रहा हमारा फ्लैग, चल 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 चल, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बस शाबाश, चल चल शाबाश। तो फ्लैग दोस्तों रेडी है और देखिए भाई कितना ज्यादा लंबा हमने फ्लैग बना लिया। अब भाई इसको लेके ना हमें उसके ऊपर बैठना है, बस 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 बस, ओके ओके ओके। ये रही मेरे हाथ में लगाम, अब जल्दी से इसको पहनाते हैं क्योंकि शाम भी हो रही है। बस जोड़ 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 तो यार फाइनली हम युवराज को लेकर बाहर आ चुके हैं और आज युवराज पूरे फॉर्म में है, शाबाश। और ये भाई हमारा फ्लैग भी आ चुका है, अब मैं जल्दी से इसके ऊपर चढ़ता हूँ और अपने देश का फ्लैग लहराते हैं इसके ऊपर चढ़ के।
तो भाई घुड़सवारी भी कर ली है और अपना ये झंडा भी आज हमने फहरा दिया है। तो फाइनली अब जा रहे हैं अपने कैनल पर। बस 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 हाँ ऐसे ले जाऊंगा। तो यार जैसे कि आज पापा जी यहाँ पर नहीं है, सारा काम मुझे आज खुद ही करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, आज मुझे झूमर का ना दूध भी खुद ही निकालना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगा, कभी मैंने पहले निकाला था दूध और एक दिन फिर पापा जी ने मुझे सिखाया था दूध निकालना। मैं निकालूं। आता तेरे पे? कोशिश कर लेंगे, क्या हो गया? कोशिश पक्का? मतलब बताइए कैसे निकालते हैं? मतलब पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा हैंड ग्रिप करनी पड़ती। गलत। मतलब तुझे लग रहा है कि ऐसे पकड़ो दूध निकल जाएगा? नहीं, ऐसे दबाना नहीं, थोड़ा सा खींचना हल्का सा। गलत भाई, दूध पता कैसे निकलता है? मुझे पता तो है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है ना। दूध निकलता है ऐसे, पकड़ा था और ऊपर से यूं। अच्छा, सिर्फ दबाना एक जगह? ऐसे दबाएगा तो नहीं निकलेगा। उंगलियों से? देख, अगर ऐसे ऐसे दबाएगा तो नहीं निकलेगा, ऐसे यूं। उंगलियों से? हाँ, पहले ऊपर की उंगली फिर नीचे नीचे ऐसे। गायल हाथ तो नहीं मारे? मतलब कुछ करेगा? तू रहने दे अभी, मुझे पता तू पहली बार निकाल रहा है ना, दूसरी बार? देख भाई, इस पे नहीं आता ये पता मुझे, ये लात मरवाएगा या फिर सारा दूध नीचे निकलवा देगा, इसीलिए मैं निकालूंगा और तू देखेगा, तू देखेगा। चलो फिर एक काम करें। हाँ। जैसे आज 15 अगस्त है, बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे कि आप अपनी झूमर को बाहर नहीं घुमाते, इसको बाहर घुमाएं, यहाँ पे यहीं पे घुमा लेते हैं लेकिन, है ना, बाहर तो कभी भाग जाए। तो एक काम करते हैं, आज झूमर को खोल कर ना यहीं पर चक्कर कटाते हैं, एक या दो बस। ये बहुत तेज भागती है, घोड़ों से भी तेज भागती है। तो इसको खोलते हैं और एक दो चक्कर कटाकर फिर इसका दूध निकालेंगे। आप लोगों के कहने पे मैंने आज झूमर को ना यहाँ का एक राउंड कटाया पाया हूँ यार, क्योंकि मुझे उससे डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे टक्कर मार देगी, लेकिन मैंने उसको घुमा दिया है। अब बारी आती है उसका दूध निकालने की, लेकिन उससे भी पहले उसके लिए यहाँ पर हमें चारा तैयार करना पड़ेगा। इसमें मैंने खल पहले से भिगो रखी है और बाकी सारी चीजें इसमें ऐड करता हूँ और उसके बाद उसको भूस वगैरह डालकर फिर दूध निकालने बैठेंगे। तो भाई सबसे पहले थोड़ा सा भूस मिलाना पड़ेगा। भूस भाई इसलिए मिलाते हैं ताकि गाय चारा खाती रहे और ये पीछे से दूध निकाल ले। ये पहला वो डाल दी भाई सामग्री, और अब दूसरी ये है। मेरी हालत चेक करो यार, बिल्कुल बेकार हो गया, पसीनों में और भूस भूस लग चुका है हर जगह। हट जा झूमर। तो यार सबसे पहले हमें ये पिछाड़ी बांधनी पड़ती है ताकि गाय अपने पैर न हिला सके। भाई ये भी बहुत मुश्किल काम है, अगर गांठ थोड़ी सी भी ढीली रह गई ना तो गाय इसके मुंह पे लात मार सकती है। हाँ सच में मार सकती है यार। झूमर को पता लग गया कि भाई आज कोई नया है, और झूमर की आंखें देख सकते हो आप। भाई खाना खाते खाते शांत हो गई, देख रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि कोई नौसिखिया दूध निकाल रहा है। हाँ सच में लग गया होगा यार पता उसको, गाय की लातें बहुत तगड़ी लगती है, बहुत तेज। तो दूध कहाँ निकल रहा है अभी? कहाँ निकल रहा है अभी, पहले थन धुल लूं मैं। अच्छा धो रहा है, मुझे लगा कि दूध ही नहीं आ रहा बाहर। तो यार फाइनली मैंने थन तो धुल लिए हैं और अब शुरू करते हैं अपना दूध निकालना, बस कुछ दिक्कत ना हो। शाबाश। भाई हम हाथ दुख रहे बहुत ज्यादा। मैं निकालूं भाई? नहीं रहने दे।
कैसे निकाल रहा है? एक बार उंगलियां भी निकाल, देख ले चेक करके। बस भाई, तो भाई मेरे ख्याल में दूध निकल चुका है, थन पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, अब बस थोड़ा ही थोड़ा दूध रह रहा है, खत्म। तो भाई ये देखो यार, तुम्हारे भाई ने आज इतना दूध निकाला है, अब इसकी मैंने पिछाड़ी खोल दी है आराम से आराम से। देखो गाइस ऐसा होता है प्योर दूध। तो दोस्तों सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया है, आज इंडिपेंडेंस डे था तो हमने अपनी गाय को भी बाहर निकाला, युवराज को भी बाहर निकालकर फ्लैग हमने आज लहराया, तो सारे काम आज हमने कर लिए हैं, तो और आज मैंने दूध भी निकाला गाय का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हुन, ओवर एंड आउट।